नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरे पास अभी है M51 और काफी सवाल मेरे पास आते हैं कि सर, ऊपर अगर नोटिफिकेशन पैनल में मुझे नेटवर्क स्पीड अपना चेक करना है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मैं पास लाके दिखा देता हूँ आपको कि मेरे यहाँ पे जो है नेटवर्क स्पीड यहाँ पे दिख रही है 0 kbps, 10 kbps, जितना भी मैं यूज कर रहा हूँ वो नेटवर्क स्पीड यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। अब इनबिल्ट ऐप तो कोई आता नहीं है, बट एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे आप ऑफकोर्स अपनी नेटवर्क स्पीड इवेंचुअली देख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल और छोटा सा एक ऐप है, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। मैंने प्ले स्टोर ऑलरेडी यहाँ पे खोला हुआ है और इस ऐप का नाम है स्पीड इंडिकेटर नेटवर्क स्पीड मॉनिटरिंग मीटर। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अमेजिंग सा ऐप है, इससे आप काफी कुछ कर सकते हैं आपके फोन के मेमोरी में, और ओवरऑल जो आपके सिस्टम में ये बिल्कुल हैवी नहीं पड़ता, बहुत ही लाइट ऐप है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको बस इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद ये आपका जो है मेन होम स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी जो है दिख जाते हैं, आप जिसको चेंज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सेटिंग्स में ऊपर जाना है। सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाके आपको नोटिफिकेशन बार जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऑन कर लेना है, अगर ऑफ है तो। और यहाँ पे आप शो स्पीड आइकॉन ओनली यहाँ पे जो है ये ऑन कर लेना है आपको। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर, जब आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे स्पीड जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम जहाँ पे दिखा रहा है उसके पास आप देख सकते हैं कि आपको जो है नेटवर्क स्पीड अपनी जो है दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है। अब कोई इनबिल्ट तो कोई ऐसा सिस्टम आता नहीं है M51 में या इवन इन द F41 टू चेक नेटवर्क स्पीड, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये ऐप डाउनलोड करके देखा जाए। और इसमें काफी कुछ सेटिंग भी है, यहाँ पे आप यहाँ पे थीम्स वगैरह भी जो है अपने चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी स्पीड टेस्ट भी जो है वो भी आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। आपको इसको गो करके क्लिक कर देना है और ये जो है ऑटोमेटिकली आपका स्पीड टेस्ट जो है वो कर लेगा डिपेंडिंग ऑन आपका नेटवर्क की स्पीड आपकी कितनी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जस्ट टू चेक कि आपकी जो है नेटवर्क की स्पीड कितनी आ रही है। अगर स्लो आ रही है तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि स्लो क्यों आ रही है, और यहाँ पे आपको जो है पूरा दिखा देगा। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे वो ये है कि आप यहाँ पे शो इन क्विक सेटिंग भी जो है आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, तो ऊपर क्विक सेटिंग्स में जो है आपके यहाँ पे स्पीड दिखाता रहेगा। और नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट या ऑटो ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फोन को रीबूट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्टार्ट हो सकता है। आप स्पीड को किस यूनिट में दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा kbps में आप इसको करके रखिए, सो दैट आपको पता लग जाए कि हाँ kbps में ये हो रहा है। यहाँ पे यूजेज मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मंथली बिलिंग साइकिल आपको देखना है अपना कि मंथली आप कितना यूज करते हैं, तो यूजेज अलर्ट जो है यहाँ पे ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैफिक आप किस तरह का चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल डेटा मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, मंथली देखना चाहता हूँ। कोटा यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मंथ में आप 100 GB यूज कर ले उसके बाद जो है आपका फोन आपको एक वार्निंग दिखाएगा कि आप जो है कितना जीबी आप यूज कर चुके हैं और कितना जीबी आपका बाकी है। नीचे यहाँ पे अलर्ट परसेंटेज 90% दिखाते हैं, तो 100 GB का अगर 90% मैं बोलूं तो 90 GB जब पहुंच जाएगा तो आपको जो है अलर्ट दिखाएगा कि आपका जो है डेटा खत्म होने वाला है। तो काफी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिखे हैं इस वाले ऐप में, बट सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो जो मैंने अभी भी बताया आपको, आपको सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन बार वाला ऑप्शन आपको ऑन कर देना है अगर ऑफ होगा तो, और शो स्पीड आइकॉन ओनली यहाँ पे आप ऑन कर देंगे तो ऊपर जो है आपके यहाँ पे आपको स्पीड दिखती रहेगी अपने इंटरनेट की। तो कहीं पे भी आप बैठे हो, चाहे वाईफाई से कनेक्टेड हो, चाहे फोन नेटवर्क से कनेक्टेड हो, 4G हो, 3G हो या वाईफाई हो, आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऊपर स्पीड दिखती रहेगी। तो ये जो है ऐप बहुत ही यूजफुल ऐप मुझे लगा, नेटवर्क स्पीड इस ऐप का नाम है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो आपको दिखती रहे, बिकॉज इनबिल्ट ऐप में ऐसा कोई है नहीं जैसा मैंने कहा, तो आप इस वाले जो है ऐप को यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आज मैं आप लोगों को फटाफट बता देना चाहता था, सो दैट आप लोगों में से जिनको भी
नेटवर्क स्पीड की दिक्कत है, गैलेक्सी M सीरीज के किसी भी फोन में या जनरली गैलेक्सी सीरीज के फोन में आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी M51 है, मैंने F41 में भी जो है ये ऐप इंस्टॉल करके देखा है, इट रन्स परफेक्टली वेल। M31S मेरे पास अभी करंटली नहीं है, बट आई एम श्योर उस पर भी जो है ये ऐप चल जाएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए बनाऊं, सो दैट जो भी मदद आप लोगों की हो सके एज फार एज फोन फोटोग्राफी, फोन टेक्नोलॉजी या एप्स एंड सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, वो मैं आप लोगों की करता रहूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।